पूर्वज है, यानी कि जो एंसेस्टर्स वाहिदुद्दीन जो अवेसी नहीं है, अवेसी चालू हुआ सुल्तान सलाउद्दीन अवेसी, अवेसी सुल्तान सलाउद्दीन ने लग लिया था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूं कि वाहिदुद्दीन अवेसी की जो फादर है वो औसा के एक पंडित थे, हिंदू पंडित थे, जिनका नाम तुलसी रामदास है। और ये औसा से वाहिदुद्दीन हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद पहुँचने के बाद उस वक्त जो है एक छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे एक नवाब थे हैदराबाद के, हमारी जो सिटी के एक नाम थे, इनका नाम था बहादुर यार चंद, उन्होंने मुस्लिम के लिए एक जमात बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और उन्होंने उसी जमात के लिए अपना एक मकान बेचकर बेगम बाजार का एक दारुसलाम, जो लोग जानते हैं कि दारुसलाम MIM का हेडक्वार्टर है, एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है वो बहादुर यार चंद की है। इनके फादर, इन ग्रैंड फादर बहादुर यार चंद वहाँ पर प्यून थे। पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, क्योंकि अभी मीडिया आपके चैनल वालों ने मुझसे पूछा था, तो क्यों मैं सेपरेट इधर हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन लोग जानना चाहिए। तो वहाँ इत्तेफाक से जो है वो बहादुर यार चंद की, आप लोग विकिपीडिया पढ़ सकते हैं कि उनकी जो है कम एज में जो है सुसाइड, उन्हें कुछ जहर दे के मार दिया गया। और उसके बाद से पुलिस एक्शन हुआ, उसके बाद से दारुसलाम को बंद कर दिया गया। और जब 1947 के बाद पुलिस एक्शन के बाद जब इंदिरा गांधी का पीरियड आया, तो किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। और ये सुल्तान सलाउद्दीन जो अपने आप को अवेसी लगा लिए, औसा के रहने वाले थे अवेसी, तो ये जो है अपने आप को वहाँ का जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि वहाँ जो जेल में था। तो इनका जो एक्चुअल खानदान है, ये खानदानी पंडित है, ठीक है,